नेता है या जनाधार के व्यक्ति गिन लो या जनाधार वाला जनप्रतिनिधि गिन लो, उसकी कोई कदर नहीं है वहाँ। कांग्रेस में अब ऐसे नेता रह गए हैं जो एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते हैं। मैं सबसे सीनियर कांग्रेसी हूँ नागौर में, आज तक मेरे को संगठन में कोई जिम्मेवारी नहीं दी, किसी प्रकार का मेरे को काम नहीं दिया। और जब आया चुनाव लड़ने का मौका तो इन्होंने देखा ये 4 बार का MLA, इसको कुछ जिम्मेवारी देनी पड़ेगी, मंत्री बनाना पड़ेगा, तो मेरा टिकट काट दिया। चलो कोई बात नहीं, मेरे बेटे को टिकट दे दिया। पर हम अब इनसे इतने दुखी हो गए कि एक आपने संकरिया कनपट्टी मार का नाम सुना होगा, सुना? वो आदमी के यहाँ चोट करता था और वो गिनती करवाने के लिए चोट नहीं करता था, वो सिर्फ इसलिए चोट करता था कि वो आदमी को जब मरते हुए देखता तो वो तड़पता था, नहीं तो उसकी तड़पन देखने के लिए। तो कांग्रेस के नेता अपने कार्यकर्ताओं की, अपने छोटे जो लोग इनके साथ काम करते हैं उनकी तड़पन देखने के लिए बच्चे हैं, यही काम कर रहे हैं। कौन कौन नेता आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं? हमारे साथ तो लालचंद जी कटारिया साहब हैं, राजेंद्र जी यादव हैं और रामपाल जी शर्मा है, अलोक जी बेनीवाल है। अब आप सोचोगे अलोक बेनीवाल, सुरेश जी चौधरी जैसे लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं जिन्होंने कमला जी ने जिंदगी भर कांग्रेस की सेवा करी और वो उनके लड़के हैं। हमारे नाथूराम जी साहब, रामनिवास जी का मैं नाम नहीं लेता, चलो वो जिंदगी भर इस कांग्रेस को, हमारे समाज ने सिंचा क्या दिया साहब इस कांग्रेस ने जाटों को, बता दे मेरे को। हम 98 में सोनिया जी के पास गए थे, उस समय मैं निर्दलीय MLA था, वो भी मेरी जनता ने कहा आप कांग्रेस के साथ जाके पूछो, तो उन्होंने कहा भाई जाट CM नहीं बनेगा। ठीक है, नहीं बने साहब, CM ना इधर बने ना उधर बने कोई बात नहीं, पर आदमी अपने मान सम्मान के लिए कभी सौदेबाजी नहीं करता। हमने ईमानदारी से इस पार्टी को सिंचा है 50 साल तक और ये हमारे को इनाम मिला है। परशुराम जी मदेणा के साथ क्या हुआ, महिपाल मदेणा के साथ क्या हुआ, कर्नल सोनाराम के साथ क्या हुआ, नटवर सिंह जी के साथ क्या हुआ, जोधपुर से राजेंद्र चौधरी उनके साथ क्या हुआ? ये तो हम शिकंजे में नहीं आए, नहीं तो हमारा ही पानी निकाल देते कहीं। इसलिए हमारा मोह भंग हो गया, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और उसमें रहिएगा। हमारे साथ सत्यनारायण शर्मा सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। सत्यनारायण, अभी ऋषपाल मिर्धा जी को हमने सुना, तमाम आरोप आज उन्होंने कांग्रेस पर लगा दिए, या यूं कहें कि उनका दर्द जो था आज खुलकर सामने आ गया है। ज्योति मिर्धा की तस्वीरें भी हमने देखी, जरा जानकारी दीजिएगा ना वहां की। पूनम, देखिए हमने बात भी करी ऋषपाल मिर्धा से, उनसे जाना भी क्या कुछ कारण है आपका कांग्रेस से मोह भंग हुआ है। तो देखिए जो उनका विवाह स्थल है ऋषपाल मिर्धा का, बड़ी संख्या में नागौर और डेगाना से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। ये वो लोग हैं जो आज ऋषपाल मिर्धा के साथ भाजपा कार्यालय जाकर वहाँ पर BJP की सदस्यता जो लेंगे, BJP पार्टी में जाएंगे। जब हमने बात की उनसे, उनका साफ कहना था कि करीबन 50 साल से हमने, हमारे नागौर के लोगों ने कांग्रेस को अपने खून से सींचा है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के अंदर उनको वो तवज्जो नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए थी, और इसी से परेशान होकर वो आज कांग्रेस छोड़ रहे हैं। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा पूनम कि जिस प्रकार से कांग्रेस कद्दावर नेता जो कि लालचंद कटारिया मंत्री थे, सुरेश चौधरी जो कांग्रेस में है, वैसे लोग अगर कांग्रेस छोड़ रहे हैं तो माना जाना चाहिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर दिक्कत हुई थी। गाड़ियाँ जो जा रही है कार्यकर्ताओं की, ये नागौर से आई गाड़ियां हैं, ये वो लोग हैं जो कि नागौर से आए हुए हैं और ऋषपाल मिर्धा और विजयपाल मिर्धा के साथ आज भाजपा ज्वाइन करे। तो माना जा रहा है करीबन 1000 से अधिक की संख्या में जो लोग आए हुए हैं नागौर की तरफ से, वो आज ऋषपाल मिर्धा के साथ में भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ज्वाइन करेंगे। पूनम, ठीक है सत्यनारायण जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद, तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए।